नमस्कार दोस्तों, कई बार हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भूत की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी और कहानियाँ भी ऐसी होती हैं कि जिसे सुनकर हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि वो कहानी सच्ची थी या फिर मनगढ़ंत। लेकिन जो मैं इस कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप भले ही ये सच्ची माने या झूठी, लेकिन आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, ये वाक्या है गुरुग्राम के सैफ्रॉन बीपीओ का। जो ये कहानी गुरुग्राम की बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक भूतिया कॉल सेंटर है। यहाँ रोजी नाम की एक मृत लड़की की आत्मा भटकती है। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी खुद इस बात की पुष्टि करते हैं। हालांकि सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई इस मसले पर खुलकर बात नहीं करता। कई रिपोर्ट्स में ये बात बताई गई कि सैफ्रॉन बीपीओ एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है, जिस वजह से रोजी का साया यहाँ मंडराता है। कई बार कर्मचारियों ने भी अजीबोगरीब अनुभवों को सहा है। लोग कहते हैं कि वर्षों पहले मर चुकी रोजी भी बीपीओ कर्मचारियों के साथ काम करती है, यानी जो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी, वो वर्तमान में भी बीपीओ कर्मचारियों के साथ काम करती थी। और वो एक मेहनती बताई गई कि वो बहुत मेहनती लड़की है, बड़े मन लगा के काम करती है। ये सब पता होने के बाद भी सभी जो वहाँ के कर्मचारी, जो वर्कर्स थे, वो एक खौफनाक माहौल में काम करने को मजबूर थे। अब रोजी की कहानी पर फिल्म बनने जा रही है, जिसका टाइटल रोजी द सैफ्रॉन चैप्टर के नाम से है। इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं, पलक तिवारी, मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी हैं, उन्हीं से इसका डेब्यू होने वाला है। और ये दोस्तों सच्ची घटना पर कहानी जो है ये आधारित बताई जा रही है। तो दोस्तों, गुरुग्राम के बीपीओ में रोजी के खूब चर्चे थे, क्योंकि वह हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करती थी और लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी हासिल करती थी। वो समय की बेहद सख्त थी, इसलिए उससे कई कर्मचारी प्रेरणा लेते थे। लेकिन रोजी की मेहनत के पीछे एक गूढ़ रहस्य था जो बहुतों को नहीं पता था। एक बार काम के सिलसिले में रोजी एक कॉल पर व्यस्त थी। ये बातचीत एक घंटे से अधिक समय तक चली थी। इस दौरान रोजी की टीम लीडर ने कॉल की जांच की तो उसके होश उड़ गए। दरअसल कॉल की जांच की नौबत भी यूं आई कि जब सभी कर्मचारियों का कॉल सेंटर से जाने का समय हुआ, उसी दौरान रोजी के पास एक कॉल आती है और रोजी उस कॉल पर करीब एक घंटा बात करती है। जब उनकी टीम लीडर को शक होता है और वो इस बात से परेशान हो जाती है कि एक घंटे बाद भी ये कॉल नहीं कटी, तो वो उस कॉल को अपने नंबर पर ट्रांसफ़र कर लेती हैं। और जब वो कॉल ट्रांसफ़र की जाती है तो टीम लीडर के भी होश उड़ जाते हैं। होश इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि रोजी जिस कॉल पर एक घंटे से बात कर रही थी, वो कॉल जिस टाइम आई थी, थोड़ी टाइम के बाद वो कॉल कट चुकी थी, लेकिन रोजी एक घंटे से उस कॉल पर बात कर रही थी। यानी जिस कॉल पर रोजी एक घंटे से अधिक समय से बात कर रही थी, उस कॉल पर कोई था ही नहीं। जब ये बात टीम लीडर को पता चली तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोजी किससे बात कर रही थी। इस वाक्य के बाद से रोजी अचानक गायब हो गई। वह किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। कहते हैं कि रोजी तब से एक अभूतपूर्व छुट्टी पर चली गई। इस कॉल सेंटर से रोजी जिस दिन वहाँ से निकली थी, तो उसके जो कैबमेट थी, यानी कि जो उसकी सहपाठी थी, जो उसके साथ काम करती थी उस कॉल सेंटर में, वो उसे देखकर अचंभित थी और हैरान थी। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे ये पूछ बैठे कि एक घंटे तक वो किस कॉल पर या किससे बातचीत कर रही थी। हालांकि रोज़ की तरह उन्होंने रोजी को उसके स्थान तक छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए। अगले दिन सवेरा हुआ, रोजी फिर उसी कॉल सेंटर में रोजी के सहपाठी पहुँचे, लेकिन रोजी वहाँ नहीं पहुँची। कॉल सेंटर की होनहार एक कर्मचारी जब कॉल सेंटर नहीं पहुँचती है, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो टीम लीडर हैं, उन्हें परेशानी होती है और वो इस बात से परेशान होते हैं कि हमारी इतनी होनहार जो एम्प्लॉय है, वो आज कैसे नहीं आई। एक दिन बीता, दो दिन बीते, हफ्ता महीना बीता चला गया, लेकिन जो रोजी की कैबमेट थी, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो रोजी के घर जाना डिसाइड करती हैं।
यानी जहां रोज़ी को वो रोज़ ड्रॉप करती थी, उन्होंने फैसला किया कि वो जाकर जानकारी करेंगी कि आखिर रोज़ी अचानक कैसे गायब हो गई और कॉल सेंटर में काम के लिए क्यों नहीं आई। उसके सहपाठी, काम करने वाले उसके साथी, वो जहां रोज़ी को ड्रॉप करते थे वहां पहुंचते हैं और जब वो मकान मालिक से पूछते हैं कि रोज़ी कहां है, कई दिन से काम पे नहीं आई, और जो मकान मालिक का जवाब था, यकीन मानिए उस जवाब को सुनकर उसकी कलीग्स के होश फाख्ता उड़ गए। यानी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने जब उनसे सवाल किया तो मकान मालिक ने कहा कि रोज़ी नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं रहती, जबकि कई महीनों से वो उसे वहीं ड्रॉप करते थे। उन्हें मकान मालिक की बात पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि जो मकान मालिक है वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस, क्योंकि लड़की का मामला था, पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची और पुलिस ने जाँच शुरू की। पुलिस ने उस कमरे को खोल कर देखा तो पता चला कि वहाँ वाकई कई महीनों से कोई नहीं रह रहा था। इस बात को जो रोज़ी के कलीग्स थे वो हज़म नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इस बात से यकीन नहीं हुआ कि रोज़ी यहाँ नहीं रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनको चैन नहीं मिला, यानी जो रोज़ी के कलीग्स थे उन्हें चैन नहीं आया और उन्होंने आखिरकार जो उसके माँ बाप हैं उनका पता ढूँढ लिया, यानी जहाँ रोज़ी रहती थी उनका पता ढूँढ लिया। उनको तलाशते तलाशते जब वो वहाँ पहुँचे तब जाकर इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा ये कि रोज़ी तो 8 साल पहले ही दुनिया से अलविदा कह गई थी। सेव कर लो इसे। रोज़ी की मौत की जानकारी मिलने के बाद सैफ्रन बीपीयू में काम करने वाले उसकी बेस्ट फ्रेंड को इतना गहरा सदमा लगा, इतने बड़े अचंभे में चला गया कि उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, जबकि रोज़ी के कुछ अन्य करीबी मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि रोज़ी मर चुकी है। दोस्तों, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वहाँ इस तरह की अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं और उन्होंने जो वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें महसूस किया है। लेकिन हालांकि हम डरावनी घटना को लेकर कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो हकीकत को लेकर गुरुग्राम में आज भी एक वास्तविक घटना के रूप में ये बताई जाती है और ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि इस पर कई वीडियोस बन चुकी हैं, कई लोगों ने इस कहानी के बारे में जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी ऐसी है, इतनी रहस्यमयी है कि जो भी इस कहानी को सुनता है वो अपने दांतों तले उंगली चबा देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।